कांग्रेस प्रत्याशियों की लिस्ट जारी होने के बाद लालकुआं विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशी संध्या डालाकोटी और पूर्व कैबिनेट मंत्री हरीशचंद्र दुर्गापाल के बीच घमासान मचा हुआ है। इसी कड़ी में कांग्रेस से दावेदारी कर रहे कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरिंदर बोरा ने हल्दू चौड़ में महापंचायत बुलाई गई, जिसमें वे समर्थकों के साथ आगे की रणनीति तय करेंगे, जिसमें वे समर्थकों के बीच चर्चा के बाद कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। कांग्रेस में एक के बाद एक बगावत के सुर उठने लगे हैं। हरीशचंद्र दुर्गापाल, जो कि पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे हैं, उन्होंने भी निर्दलीय चुनावी ताल ठोकने का ऐलान किया था और आज हरेंद्र बोरा के आवास में उन्होंने हजारों समर्थकों शक्ति प्रदर्शन करते हुए, जिनके बाद हरेंद्र बोरा ने हाईकमान से पुनर्विचार करने की मांग की है। लालकुआं से मुन्ना अंसारी की रिपोर्ट। मैं पिछले दो बारों से लगातार यहाँ चुनाव लड़ रहा हूँ, तो महापंचायत तो इसलिए बनाई गई थी कि भाई देखिए, जिनके बल पर मैं आज यहाँ पर खड़ा हूँ, उन लोगों की भी मैं राय ले लूँ कि मुझे क्या करना है। भाई देखिए, जो उनका जो निर्णय होगा, जिन लोगों के बल पर आज मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ, उसी पर अमल करते हुए जो मैं हाईकमान के का इंतजार कर रहा हूँ कि हाईकमान, मेरे को अभी एक फोन आया है कि दिल्ली से एक ऑब्जर्वर की टीम यहाँ पर आप लोगों से मिलने आ रहे हैं। इन लोगों को मैनेज करना चाहिए। उन्हें हरिंदर बोरा लालकुआं विधानसभा के अंदर बहुत बड़ा चेहरा है। अगर सरकार पार्टी जो है कांग्रेस पार्टी, इन पर अगर जो है उनको अगर मैनेज नहीं करेगी तो इनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा कांग्रेस। तो उनका नंबर कब आएगा जो और युवा साथी? तो उन्होंने ये बोला 2012 में कि मैंने जमीन बेच दी, लकड़ी देना। तो कांग्रेस नेता ने पंचायत महापंचायत बुलाई और चुनाव को लेकर रणनीति पर चर्चा हुई। उत्तराखंड के लालकुआं से यह खबर है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मुन्ना अंसारी फोन लाइन पर मौजूद हैं। जी, लालकुआं की राजनीति में ये क्या कुछ चल रहा है अभी मुन्ना? यहाँ बताना चाहेंगे, कांग्रेस की जो लिस्ट जारी हुई थी उसके बाद से जो संध्या डालाकोटी को यहाँ से टिकट दिया गया था कांग्रेस पार्टी से, जिसके बाद से यहाँ पर लगातार जो गुटबाजी बिल्कुल देखने को मिल रही है कांग्रेस पार्टी में। कल जो था, पूर्व कैबिनेट मंत्री के द्वारा महापंचायत बुलाई गई थी, जिसमें हजारों की संख्या में लोग जुटे और उन्होंने उनसे पूरी तरीके से निर्दलीय दबाव बनाते हुए निर्दलीय चुनाव लड़ने का जो आह्वान कर दिया। उन्होंने मन से साफ तौर पे वहां से कांग्रेस जो पार्टी का जो झंडा लगा था पूर्व कैबिनेट मंत्री के आवास पर, उन्होंने वो झंडा उतारते हुए और पूरी तरीके से उन्होंने कांग्रेस पार्टी से तोड़कर उन्होंने निर्दलीय लड़ने का ऐलान जनता के सामने कर दिया था, जिसके बाद से पूरी गुटबाजी सामने देखने को मिल रही थी कांग्रेस की। आज फिर से जो वरिष्ठ कांग्रेस नेता हैं, जो दो बार के विधानसभा में चुनाव लड़ चुके हैं, उन्होंने भी आज महापंचायत बुलाई थी जिसमें हजारों समर्थक उनके जुटे। उन्होंने भी आज यही किया कि पूरी तरीके से उन पर दबाव बनाया कि आप निर्दलीय चुनाव लड़ें और उसमें पूरी तरीके से वो करा जाए। तो देखने को यहाँ पर ये मिल रहा है कि कांग्रेस में जो गुटबाजी है वो पूरी तरीके से चरम सीमा पे पहुंच गई है। अब जो हरिंदर बोरा है, उन्होंने मन से साफ तौर पर कहा है कि इसमें जो केंद्रीय कमेटी है, केंद्रीय कमेटी के जो ऑब्जर्वेशन आएंगे वो कल सुबह तक पहुंचेंगे, उसके बाद अगर वो उस पर पुनर्विचार नहीं करते हैं और टिकट नहीं देते हैं तो उसके बाद जैसा जनता का फैसला होगा उसके अनुरूप बिल्कुल चुनाव मैदान में उतरा जाएगा। जी जी, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मुन्ना अंसारी आपका। तो लालकुआं की राजनीति में कांग्रेस में लगातार गुटबाजी देखने को मिल रही है, इस पर तमाम जानकारी दे रहे थे हमारे संवाददाता मुन्ना अंसारी।